15 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें 15 दिवस पर लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की। आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में और भारत में पानी की समस्या पर भी थोड़ी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। भारत में पानी की समस्या से हम सभी अवगत हैं। जिस तरीके से भारत में लगातार पानी कम होता जा रहा है, उसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस साल चेन्नई में हुआ केस हमें यह बताता है कि भूमिगत जल खत्म होने के बाद किस तरीके से हम लोग बहुत ही बुरे दौर में पहुंच जाने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो तेलंगाना का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र है, गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है और साथ ही दिल्ली, यहाँ पर पानी लगातार कम होता जा रहा है। और अत्यधिक दोहन की वजह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो खेत हैं वो लगातार ऊसर और बंजर में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इसलिए पानी को लगातार बचा के रखना और उसका सही तरीके से उपयोग करना, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी को संदर्भ में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 6वीं बार तिरंगा फहराया तो उन्होंने जल जीवन मिशन की घोषणा की। इसके अंतर्गत 3,00,000 करोड़ रुपए भारत में जल के संरक्षण को दिए जाएंगे, क्योंकि भारत में इस समय 50% से अधिक घरों में पानी के जो पाइप के थ्रू है वो पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से पानी की उपलब्धता सही तरीके से नहीं हो रही है और लोग लगातार बोरिंग करवा के या नलकूप लगवा के पानी का दोहन अत्यधिक करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग पाइप के माध्यम से जल का प्रयोग करेंगे तो वहां पर वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और इस वेस्टेज के कम होने की वजह से पानी भी सभी जगह पे पहुंच जाएगा। अब आप ये समझिए कि अगर हमने पाइप के माध्यम से घरों को जोड़ा तो उसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि जहां पर आपके तालाब नहीं है या आसपास कोई बड़ी नदियां नहीं है वहां पर पानी की समस्या ज्यादातर देखने को मिल रही है। उसके अलावा जहां पर बारिश भी लगातार सही तरीके से नहीं हो रही है वहां पर भी ये समस्या जो है बहुत ज्यादा है। तो वहां पर पाइप के माध्यम से हम आराम से पानी पहुंचा सकते हैं और जिसकी वजह से लोगों को पानी जो है वो पीने के लिए उपलब्ध हो पाएगा। उसके अलावा सामान्य जीवन में जो हम लोग पानी का उपयोग करते हैं वो भी बहुत ही आराम तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 3,00,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की है, जो कि पानी के संरक्षण अर्थात जल जीवन मिशन में उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो प्रमुखता से जाननी है जो इस मिशन के अंतर्गत आएगा। हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग के घरों में भी पानी की बर्बादी लगातार होती है। जब से आरओ जैसी चीजें आई हैं उसकी वजह से एक छोटा सा पाइप वहां पर निकल जाता है और उस पाइप के निकलने की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि पानी जो है वो काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वहां पर उन सब पानी का भी हमें संरक्षण करना पड़ेगा, अदरवाइज पानी का वेस्टेज लगातार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य जो है वो सही तरीके से पाइपलाइन की मदद से पानी हर घर में पहुंचाना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, भूगर्भ का जो जल है अर्थात जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लेवल को लगातार ठीक करना, साथ ही जो पानी से बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को यहाँ पर इरेडिकेट करना, खत्म करना और साथ ही पानी की बर्बादी जो लगातार हो रही है उन सभी बर्बादियों को रोकना, यह प्रमुख लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बात कही है। तो हमें भी इसे चरितार्थ करना पड़ेगा और पानी को खराब होने से रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से पानी जो बर्बाद हो रहा है उस पानी की बर्बादी को हमें रोकना है और जल जीवन मिशन का यही एकमात्र उद्देश्य है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे और भी अच्छी जानकारी मैं आपको दे सकूँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।